शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, इनबीसी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूं। भारत देश में हर प्रांत में परंपरा से कपड़े धोने का काम करने वाला और धर्म से हिंदू कहने वाला धोबी समाज है। सारे देश में रहन सहन कारोबार पूरे देश में एक ही होने के बावजूद धोबी समाज को बांटने का काम लगभग सभी सरकारों ने किया, क्योंकि भारत देश के 17 राज्यों में धोबी जाति अनुसूचित जाति में शामिल है। बाकी राज्यों में इस धोबी समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन महाराष्ट्र में धोबी जाति अनुसूचित जाति में नहीं है। आज अगर देखा जाए तो सही मायने में राज्य के धोबी समाज के लोगों का जीवन संवर्धन सरकार की ओर से नहीं किया गया है। आज भी यह समाज पूरी तरह से वंचित है। धोबी समाज को सरकार की ओर से न्याय मिले, सम्मान मिले और धोबी समाज की आने वाली पीढ़ी को सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शासन प्रशासन में काम करने के लिए सरकार पूरा सहयोग करे। धोबी समाज को आखिरकार कब मिलेगा न्याय? आइए देखते हैं हमारे संवाददाता संजय मिरे इनके रिपोर्ट। धोबी समाज है न्याय की प्रतीक्षा में। दक्षिण नागपुर के अंतर्गत आने वाला इमामवाड़ा परिसर स्थित करबला धोबी घाट ग्रेटर नाग रोड पर है। पिछले सन 1960 से कार्यरत इस धोबी घाट पर शहर के होटल्स, अस्पताल, घरेलू कपड़े बिछायत केंद्र और रिजॉर्ट आदि के कपड़े इस धोबी घाट पर धुलवाए जाते हैं। नागपुर महानगर पालिका द्वारा संचालित इस घाट पर केयर हॉस्पिटल, अवंती हॉस्पिटल, वो कार्ड मेडिट्रीना के साथ साथ शहर के होटल सेंटर पॉइंट, दर्शन टावर, ओयो हॉस्पिटल, हरदेव होटल, गंगा काशी, राहुल डिलक्स, राहुल होटल, ओरियंट स्टार आदियों के कपड़े धुलवाए जाते हैं। इस धोबी घाट का क्षेत्रफल 2 एकड़ का है। शुरू के दौर में नदी नालों में कपड़े धुलवाए जाते थे, लेकिन नदी नालों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ता था, इसलिए धोबी घाट का निर्माण सन 1960 में किया गया। शहर में कुल 6 धोबी घाट हैं। इमामवाड़ा का करबला घाट, WCL घाट, मंगलवारी बाजार घाट, नाइक तालाब घाट, वैशाली नगर घाट, गंगा भाई घाट आदि धोबी घाट है। इनमें से 3 शुरू और 3 घाट पूर्ण रूप से बंद है। मनपा द्वारा सही सकारात्मक कामकाज नहीं किए जाने से, या ये कहे कि इसकी सही देखरेख नहीं किए जाने से शहर के 3 धोबी घाट बंद पड़े हैं। दक्षिण नागपुर के इमामवाड़ा स्थित इस करबला धोबी घाट पर 5 ऐसी मशीनें लगाई गई हैं जिससे कपड़े सुखाए जाते हैं। अब तक इस मशीन से हजारों धोए हुए गीले कपड़ों को सुखाया गया है और आज भी सुखाने का काम काज जारी है। यहाँ पर आने वाले कपड़ों की धुलाई के लिए डिटर्जेंट, सोडियम हाइपोक्लोराइड, धोबी साबुन, टीनोपॉल, नील आदि लगाया जाता है। यहाँ पर कपड़े धोने का काम करने वाले तकरीबन 1200 धोबी लोग कपड़े धोने का काम करते हैं। इस काम से रोजाना 400 परिवारों का गुजर बसर होता है। पूरे नागपुर शहर के अलग अलग धोबी घाट पर बड़ी तादाद में तकरीबन 50,000 लोग काम करते हैं, लेकिन जब से कोरोना महामारी ने दस्तक दी है तब से शहर के होटल्स, रेस्टोरेंट और घरेलू कपड़े धोने के लिए नहीं आ रहे हैं, जिससे इस धोबी समाज पर भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। दर्शकों, अब हम आपको हमारे संवाददाता संजय मिरे के साथ सीधे इमामवाड़ा के करबला धोबी घाट पर ले चलते हैं और इस घाट का कपड़ों का कलेक्शन एरिया, डंपिंग एरिया, वॉशिंग एरिया, ड्रॉइंग एरिया, प्रेसिंग और फिनिशिंग एरिया के साथ साथ धोबी समाज पर पिछले 70 वर्षों से हो रहे अन्याय के बारे में जानेंगे। दर्शकों नमस्कार, इस समय में इनबीसीएन की टीम ग्रेट नाग रोड के करबला धोबी घाट पर आई हुई है। आखिरकार ये धोबी घाट का कामकाज किस तरह से चलता है और इनकी क्या समस्या है या इनको कितना इससे फायदा हो रहा है इस समाज को और समाज क्या चाहता है, ये तमाम हम आपको पल पल की जानकारी हमारे कैमरा पर्सन सुभाष के साथ आपको देने जा रहे हैं। तो आइए अब हम धोबी घाट की पल पल की जानकारी दर्शकों आपको देते हैं। इस समय में हमने एंट्रेंस के ऊपर में खड़े हैं जहाँ पे ये घाट की शुरुआत होती है और इस तरह के कामकाज यहाँ पे चलते हैं। जो कपड़े धुलाए जाते हैं, सुखाए जाते हैं, उसको इस कदर यहाँ पे डलवाए जाते हैं और क्या क्या होता है, आइए
हमारे साथ, हम बताते आपको। अब हम भीतर प्रवेश कर चुके हैं करबला के इस धोबी घाट पे आए हुए जो ग्रेट नाग रोड स्थित है। यहाँ पे सबसे पहला जो एरिया आता है जहाँ पे अधिकांश जो कपड़े आते हैं उसको डंपिंग विभाग कहते हैं। डंपिंग विभाग में किस प्रकार का काम कुछ होता है आइए बताते हैं। यहाँ पे जैसे डंपिंग विभाग में जो कपड़े आते हैं उसके बाद में इसको धुलाए जाते हैं। मैं आपको बता दूँ, चाहे अस्पताल हो, रेस्टोरेंट हो या फिर और कोई कंपनी के कपड़े या घरेलू कपड़े यहाँ पर अक्सर धोने के लिए आते हैं और ये तमाम कामगार इस प्रकार के ये कपड़े धोते हुए नजर आते हैं। तो डंपिंग विभाग में किस प्रकार के कामकाज होते हैं आइए जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार के कपड़े धुलाए जाते हैं और कपड़े धोने के लिए क्या मटेरियल लगता है? मेरा नाम रोहन है। कपड़े धोने के लिए अलग अलग कपड़े को पहले अलग अलग किया जाता है, उसको कपड़े के कलर के हिसाब से अलग अलग केमिकल के हिसाब से इन टाकों में भिगा के धोया जाता है। फिर डंपिंग विभाग में आने के बाद में कपड़ों का किस तरह से इसकी धुलाई होती है ये तमाम बातें जानना चाहेंगे। आप बताइए कि किस तरह का कामकाज किया जाता है, जितने ये जो कपड़े आते हैं ये कहाँ से आते हैं और धोने के लिए क्या साबुन सोडा लगता है? हाँ सर, मेरा नाम गणेश भैसवार्य है। यहाँ पे सभी प्रकार के कपड़े आते हैं, दवा खाने के, होटलों के, रेस्टोरेंट के। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे सब इसका ये सब है, टाके बने हुए हैं, यहाँ पे केमिकल में डालते हैं, उसके बाद में फिर यहाँ पे धुलाई होती है, फिर उसके बाद में वहाँ पे हाइड्रो मशीन होती है और ये सब हम सुखाते हैं कपड़े, कोई ड्राई में सुखाते हैं, कभी मौसम अच्छा रहा तो रस्सी में सुखाते हैं, इसी प्रकार से काम चल रहा है हमारा। हाइड्रो एक्टिव मशीन के पास हम आए हुए हैं। इस मशीन में जो धोबी घाट से जो कपड़े धुलाए जाते हैं कम समय में उसको सुखाने के लिए, ये जो हाइड्रो मशीन है उसके अंदर ये कपड़े डलवाने के बाद ये पानी यहाँ से निकलता है और कपड़े पूरी तरह से सूख जाते हैं। तो इस बारे में भी जानना चाहिए सर, ये बताइए कि ये तो मशीन है कितनी महत्वपूर्ण है? ये ज़्यादा से ज़्यादा हर महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पानी निकलता है हाथ से निकलता नहीं है कपड़े का, वो मशीन से काफ़ी निकल जाता है। 90% पानी उसमें से सूख जाता है कपड़े के अंदर से। जब कपड़ा अगर आपने उसमें डाले हैं तो वो 2 घंटे सूखने के लिए रखते हैं, जो 15 मिनट में सूख जाता है। बाहर सुखाने के अंदर 15 मिनट लगता है, कपड़ा ऐसा मोमेंट जाता है। कपड़े धोना और कम समय में उसको सुखाना ये भी एक कला है और इसी कला के लिए कुछ मशीन यहाँ पर लाई गई है, उसके बारे में जानेंगे। सुभाष, आप थोड़ा बैठ करके बताइए कि देखिए किस तरह से यहाँ पे कपड़े ड्राई होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो अभी हमने जो देखा कि जो धोबी घाट के ऊपर जो कपड़े उन कारागिरों ने जो धोए थे उसको यहाँ डलवाए गए हैं और ये पूरी तरह से सूख रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम भी हो तो भी कोई बात नहीं होती, क्योंकि ये जो कपड़े हैं पूरी तरह से अच्छे से सूख जाते हैं, जिसके चलते कम समय में अस्पताल हो या रेस्टोरेंट हो इनको ये कामकाज आता है। सर, ये पता क्या कहना चाहोगे? सर बोलिए, सर ये कपड़े इसमें जो डाले जाते हैं, जो बरसात के मौसम में जो कपड़ा नहीं सूखता है तो इसमें डाले जाता है, इसमें से कपड़ा आधे घंटे के अंदर 20 मिनट के अंदर कपड़ा निकल जाता है। टोटल कितने कपड़े रहते हैं? टोटल अगर मालूम पतला कपड़ा जो रहता है, मोटे कपड़ा जो रहता है, पतला पैंट 40-50 कपड़ा निकलता है एक साथ में, एक घंटे के अंदर कपड़ा पूरा निकल जाता है। उसके बाद में अपन रेगुलर डाल सकते हैं, उसके अंदर दूसरा भी डाल सकते हैं। और टावेल जो रहती है, जो मोटा टावेल रहता है, जो एक घंटे के बाद में सूख जाता है बरसात के मौसम में, ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि हमारे को जो कपड़ा देना पड़ता है, जैसा दवा खाना हो गया, होटल हो गया, इनका कपड़ा हम रोक नहीं सकते, तो इसके लिए ये सुविधा हमारे लिए है अवेलेबल। और जो अगर मान लो कपड़ा लाइन नहीं चली जा रही है तो फिर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, और मौसम अगर ख़राब रहा तो फिर दोनों तरफ प्रॉब्लम आता है, लेकिन अगर मौसम अच्छा रहा तो फिर हम कपड़ा बाहर सुखाते हैं। क्या नाम है मशीन? ये इसको डायर मशीन बोलते हैं। तो डायर मशीन क्या कामकाज करती है इसके बारे में बताया गया है। और ये जो मशीन आप देख रहे हो इसको वॉशिंग मशीन कहते हैं, इसमें कपड़े डलवाए जाते हैं। देख सकते हैं कि ये कपड़े धोने की मशीन है, जिसके अंदर कितने भी गंदे मैले कपड़े क्यों ना हो इस मशीन में यदि डलवाया जाए। यह रोटेड मशीन है जो घूमती रहती है और कपड़े भी घूमते रहते हैं, जिसके चलते अंदर में एक जो उसका मैकेनिज्म है जिसके चलते गंदे मैले कपड़े साफ सुथरे होते हैं। 2 एकड़ में फैले ये करबला का ग्रेट नाग रोड स्थित धोबी घाट है, जहाँ पे हम आए थे और हमने आपको बताया कि किस तरह से कपड़ों की धुलाई होती है, कपड़े कैसे आते हैं, किस मशीन में डलवाया जाता है, कौन से डिटर्जेंट से धोया जाता है। अब हमारे साथ इस समाज की कुछ महिलाएं, उनसे भी जानना चाहेंगे, बातचीत करेंगे। आप बताए क्या कहना चाहोगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, जिस प्रकार से ये जो धोबी घाट के ऊपर में कामकाज होता है, क्या समाज के प्रति क्या कहना चाहोगे? मी जया मोतीकर, नागपुर जिल्हा अध्यक्ष। या धोबी घाटामध्ये जे कपडे धुण्यात येत आहे, पण या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये काय झालं, कमी वापर होत आहे आता कपडे धुण्याचा वगैरे,
त्याच्यामुळे यांच्यावर खूप उपासमारीची वेळ आलेली आहे। त्यासाठी आम्ही शासनाकडे प्रयत्न करत आहे। त्या प्रयत्नासाठी आता 4 सप्टेंबरला आमचे मागणी ठेवण्यात येते। आज हम यहाँ आए हैं और यहाँ धोबी घाट का सब जन मतलब दर्शन ले रहे हैं। आपने अगर देखे होगे तो यहाँ 2 एकड़ में ये धोबी घाट फैला हुआ है और हमारे 400 कारागिर यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब 400 कारागिर के पीछे उनकी पूरी फैमिली भी यहाँ पर काम करती है। इस पर से आप तर्क लगा सकते होगे कि उनके बच्चे भी यहाँ पर आकर काम करते हैं। तो ऊपर ही दिख पड़ता है कि हमारे जो धोबी समाज के बच्चे हैं वो कितना पढ़ पाते हैं। और हमारे गाड़गे बाबा की यही इच्छा थी कि हमारे बच्चे जो है, मेरा समाज जो है, वो पढ़े लिखे बड़े हुए और ये पढ़ना लिखना चाहिए करके ही हम लोग आज जो आरक्षण के लिए जो हम मतलब लड़ रहे हैं, हमारे महासंघ के अध्यक्ष जो है ये आरक्षण के लिए जो लड़ा दे रहे हैं, इसी के लिए आज हम हमारी जो धोबी समाज की परिस्थिति है वो परिस्थिति दिखाने के लिए हम आज यहाँ आए हैं। और सरकार ने इसकी दखल देनी चाहिए, अन्यथा हम 4 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन इसके लिए करेंगे। धन्यवाद। मैं उज्ज्वला कामरकर, महिला महासचिव, महाराष्ट्र राज्य। क्या कहना चाहोगे दादा कि जिस प्रकार से ये जो कामकाज चल रहा है, इस समाज के बारे में क्या आपकी प्रतिक्रिया है? जैसा कि आपने अभी जो इस पूरे कार्यक्रम को यहाँ शूट किया है और जो आपने दिखाया कि हम धोबी लोग इस किस तरीके से यहाँ के जो हॉस्पिटल होटल्स के कपड़ों को किस तरह से जो मलिन कपड़े उनकी सफाई का काम हम ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से हम करते जा रहे हैं और ये काम में लगे होने के कारण हम और हमारे कुछ कुछ सरकारी सहूलियतें ना होने पर भी हम लोग अपने माध्यम से अपना काम करते हैं और हमारे इस काम में लगे होने से हमारे बच्चों को कोई शैक्षणिक वगैरह इस हम नहीं करा सके हैं और आज हमारा जो भी युवक है इस काम में ही लगा हुआ है। अगर हमारे को कोई सरकारी सहूलियतें मिली रहती तो आज हमारा भी बच्चा कुछ सीखकर कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर कुछ बना रहता था। आज जो ये लॉकडाउन में स्थिति हमारे समाज के बीच उपस्थित हुई है इसका आज हमको असर नहीं होता था। आज हम लोग बहुत ही अगर हमारी इसकी सब दुर्दशा का अगर कोई हमारा वो है तो हम लोग जो हमारी अशिक्षा है उसका ही हम लोगों को ये हमसे गुजरना पड़ रहा है। आज हम लोग बहुत ही इसमें है और हमारी शासन से यही मांग है कि हमारे इस धंधे के तरफ कुछ ध्यान दिया जाए और हमारी जो एक आरक्षण को लेकर बहुत दिन की मांग है, कई हमारे समाज के नेता इस मांग को लेकर जो लड़ते रहते हैं और कोई भी सरकार इस ओर कभी भी ध्यान नहीं दिए। आज हमारे लोगों के लिए अगर आज वो आरक्षण हम लोगों को मिला रहता तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे से सीखे पढ़े रहते थे और अपने दूसरे नौकरी वगैरह में लगे रहते थे। इसी मांग को लेकर एक अच्छा हमारे सुनटक्के साहब जी ने एक अच्छा धरने का कार्यक्रम 4 सितंबर को किया है और उसमें हम शासन को अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए हम पूरे धोबी समाज का जो काम है हम बंद रखकर उस धरने में जो हमारे जो सुनटक्के साहब है जो भी हमको आगे 4 तारीख के बारे में ब्यौरा देंगे हम उसको सफल बनाने की पूरा धोबी घाट उसमें सहभाग रहेगा और हमारी जो जायज मांग है हम शासन से मांग करते हैं कि उसको पूरी करें और हमारे जो बच्चे बेरोजगार है जो क्योंकि ये धंधे ऐसा है ये कच्चा धंधा है कभी भी कुछ भी आजकल आधुनिक युग होते जा रहा है मशीनों पे ये सिमटते जा रहा है। हम लोगों को इसमें कुछ भी हमारे ये काम से कभी भी हम वंचित हो सकते हैं। अगर हमारे बच्चे सीखे पढ़े रहेंगे तो उनको नौकरी आदि मिलेंगी। मैं इतना कहकर अपने भी समाज बहुत गरीब और अस्पृश्य जाते हुए माना जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपनी घटना की इसमें इसका उल्लेख किया है। इसी वजह से हमारे समाज ने हमारे नेताओं ने शुरू से 50 सालों से ये आंदोलन चलाया आरक्षण के लिए लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसके चलते 2001 में दशरथ भांडे समिति गठित की गई थी और उसी आधार पर महाराष्ट्र शासन ने एक सर्वे किया था सामाजिक विभाग से। 2001 में दशरथ भांडे समिति जी गठित केली त्या आधारे महाराष्ट्र शासनाने समाज कल्याण विभागातर्फे एक सर्वे केलेला होता। त्यावेळेस मी स्वतः धोबी लोकांना नदी नाल्यावर कपडे धुताना स्वतःचा सर्वे मी दाखवला होता। त्यावेळेस अक्षरशः समाज कल्याण विभागाला हे ग्राह्य धरावं लागलं की हा समाज वंचित असून याला आरक्षणाचा सवलती मिळाल्या पाहिजे आणि अशा प्रकारे ही कारवाई आमची चालू आहे।
परंतु अजूनही केंद्र शासनाचा महाराष्ट्र शासनाचा याकडे लक्ष गेलेले नाही। त्या दृष्टिकोनातून मागील 2 वर्षापासून माननीय श्री डी डी सोनटक्के साहेब संस्थापक अध्यक्ष सर्वभाषिक समाज धोबी समाज यांच्या प्रयत्नाने भरपूर काही मार्गाला लागलेलं आहे आणि आमचे निवेदन आणि शिफारस जी आहे आरक्षणाची ती केंद्र शासनाला गेलेली आहे, परंतु महाराष्ट्र शासनाने 11 महिन्यापासून तो एक फॉर्मेट आहे त्यामध्ये माहिती मागितली ती अजून पाठवलेली नाही आणि त्यासाठी आम्हाला आता आक्रोश आंदोलनाचा पवित्रा उचलावा लागत आहे। आज इथे आम्ही धोबी घाटवर प्रत्यक्ष स्थितीत धोबी समाजाची काय आहे दाखवून देत आहोत। हां, आणि अशा परिस्थितीत आमचा आज इथे आमचे ग्रॅज्युएट पोरं सुशिक्षित झालेले आहेत, ते सुद्धा आज कपडे धुण्याला भाग पडत आहे, कारण काय आरक्षण नसल्यामुळे त्यांना नोकऱ्या नाही काही नाही। आज आरक्षण असतं तर आमच्या 50% मार्कवाल्याला पोरांना MBBS इंजिनिअर इथे सवलती मिळाल्या असत्या, परंतु आज ते होत नाही आणि तेच आज दुसरीकडे जिथे सवलती आहेत SC ST च्या त्यांना 45%-50%पर्यंतच्या मुलांना सवलती मिळतात आणि आमच्या पोरांना आज 50%-60%-70% जर मार्क असले तरी त्यांना MBBSमध्ये किंवा इंजिनिअरिंगमध्ये सवलत मिळत नाही। त्यासाठी आज आम्हाला आमचा तरुण युवक वर्ग हा रस्त्यावर उतरला तर आम्हाला नाईलाजाने रस्त्यावर उतरून शासनाला भाग पाडावा लागेल आरक्षण देण्यासाठी, ही आमची मागणी आहे आणि यासाठी आम्ही आंदोलन करतो। क्या कहना चाहोगे आप? मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक के, जहाँ तक के अछूते का सवाल है, वो हर काम धोबी समाज जो है वो उसको निदान करने का काम धोबी समाज के माध्यम से होता है। लेकिन आज हमारे समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इतना अछूते काम करते हुए भी गवर्नमेंट की जो दोहरी नीति है वो दोहरी नीति के शिकार हम तो हो ही रहे हैं, आने वाले हमारा भविष्य भी हो रहा है और इसके पहले भी होता आया है। इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने समाज के लिए जो लड़ाई लड़ी है उस लड़ाई को मजबूती के साथ और बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है हमारे समाज के नौजवान साथियों का है और उस जिम्मेदारी को हमारे समाज के नौजवान साथी मिल करके, क्योंकि समाज के लिए जब तक के नौजवान साथी सामने नहीं निकलेंगे तब तक के समाज के जो समस्या है वो समस्या का निदान होने वाला नहीं है। इसलिए और ये प्रमुख मांग हमारे आरक्षण का ही मुद्दा है और जहाँ तक कि आरक्षण का सवाल, आरक्षण के लिए लड़ते आ रहे हैं, आरक्षण के लिए लड़ते रहेंगे और जब तक के गवर्नमेंट जो आरक्षण नहीं देगी तब तक के हम अपने जो ताकत है उसको कमज़ोर करने वाले नहीं हैं और हम यूं ही लड़ते रहेंगे, चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते। जब से कोरोना महामारी ने दस्तक दी है इन लोगों के ऊपर में कैसे इनकी परिस्थिति है वही जानना चाहेंगे। आप बताइए क्या कहना चाहूँगी, कब से ये कामकाज कर रहे हो? हम तो प्रॉपर यही काम करते हैं, बट ये जब से लॉकडाउन लगा है इतने हाल बुरे हो गए। अभी लड़की 10वीं पास हो गई पर उसके एडमिशन करने तक के पैसे नहीं है हमारे पास, खाना पीना तो दूर, एडमिशन करने के भी पैसे नहीं है। तो क्या आप घर में बैठा के रखेंगे बच्चों को, एडमिशन नहीं करवाएंगे? हमारे धोबी समाज के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, ना कोई आरक्षण दिया बच्चों को, ना कुछ, ना स्कॉलरशिप मिलती है, ना कुछ भी नहीं मिलता। बस स्कूल में जाओ पढ़ो लिखो और घर में बैठो वाला किस्सा है बस। तो आप थी अर्चना पत्थे जिन्होंने बखूबेर बेबा के साथ बात करते हुए इस समाज किस दिशा में कामकाज इस समाज के प्रति हो रहा है, सरकार कितने उदासीन है इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। अब हम यहाँ का जो मैनेजमेंट संभालते हैं राजू कनौजिया, उनसे जानना चाहेंगे। राजू ये बताइए कि जिस तरह से ये जो कामकाज चल रहा है क्या कहना चाहोगे आप? ये कामकाज तो एकदम डाउन हो गया, हमारा काम बिल्कुल डाउन हो गया क्योंकि ये महामारी आई है, उससे हमारा काम डाउन एकदम कम हो गया और जो बेचारे यहाँ काम करते भाई बंधु हमारे वो एकदम लाचार हो गए। उनके पास में कोई साधन नहीं है इसका, कुछ करने का कोई साधन नहीं है कि हमको 2 पैसे से हमारा कुछ कम करे, ये हम बच्चों को पढ़ाए। सरकार भी ध्यान नहीं देती हमारे ऊपर में, कुछ भी ध्यान नहीं देती है, क्या करेंगे हम तो बहुत दुखी है सरकार के प्रति भी है और जो हालात अभी आए महामारी के इससे भी बहुत दुखी है। तो हम तो कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे? 1000 से 1200 आदमी काम करते हैं जिसमें कि 90% एकदम खाली हो गए, 10% में जो भी काम है डोमेस्टिक है, अस्पताल का काम है, होटलें तो एकदम बंद हो गई है। हमारे को बड़े भूखमरी से क्या बोलना है कि इसमें आत्महत्या करने की बात हो सकती है, इसलिए मैं प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से उनको ये जागृत करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि भाई ये जो हालात आए हैं
ये इतने सालों से 100 साल के ऊपर, मैं तो 100 साल का नहीं 62 साल का हूँ, लेकिन उससे पहले से भी मैं देखते आ रहा हूँ कि हमारे ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी सरकार हमारे ऊपर न्याय नहीं दिलाती और हमारी उपेक्षा होती रहती। इसके लिए हमारे बाल बच्चे ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, ना इनको आरक्षण मिलता है और ना ही कोई स्कॉलरशिप मिलती है। हमको OBC में डाल दिया है, OBC की भी सहूलत पूरी नहीं मिलती है। तो हम बच्चों को कैसे IAS ऑफिसर बनाएंगे, कैसे डॉक्टर बनाएंगे, कैसे इंजीनियर बनाएंगे? बस आप लोगों के माध्यम से, ये चैनल के माध्यम से इनके कान अच्छे लगे बजेंगे सरकारों के तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो बिल्कुल अन्न त्याग करने वाले हैं, हम नहीं करेंगे इसके लिए बिल्कुल सरकार के लिए। और जो भी है हमारे पास, मैं बहुत दुख की बात से बोल रहा हूँ कि हमारे बच्चों को कोई कामकाज नहीं है। इनके कामकाज रहता तो आज लॉकडाउन में हम तो भी कुछ राहत महसूस करते, लेकिन कामकाज नहीं है। इसीलिए बहुत आपसे यही बात करना चाहते हूँ, हम आपके इन BCN न्यूज़ चैनल के साथ में मिलकर जो हमने घर में बैठ के देखते हैं कि ये हर समाज को न्याय दिला रहे हैं और हमको भी दिलाएंगे, ऐसी आशा करता हूँ मैं। तो मैं इसी चैनल से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि भाई आप लोग हमारा भी न्याय दिला, हमारे समाज को भी न्याय दिला, इतने समाज को न्याय दिला रहे, हमारे समाज को भी न्याय दिला दे तो बहुत बहुत मेहरबानी होंगी। भारत देश की आज़ादी को 70 साल गुजर रहे हैं, सारी दुनिया तरक्की कर रही है, लेकिन भारत का रजक धोबी समाज आज गंदगी की बेड़िया पहन के गुलामी के दिन निकाल रहा है। रामायण महाभारत काल से रजक धोबी जाति का इस भारतवर्ष में शोषण चलाया जा रहा है। हिंदू धर्म में धार्मिक शोषण करके 7000 साल से भारत के रजक धोबी जाति का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि तरह से शोषण चलाया जा रहा है। भारत के जाति और वर्ण व्यवस्था में रजक धोबी जाति को गंदगी का काम दिया गया है। मरे हुए प्रेतों के कपड़े धोना, मरीजों के कपड़े धोना, डिलीवरी हुए औरतों के कपड़े धोना आदि तरह का गंदगी का काम इस समाज को वर्ण और जाति व्यवस्था निर्माण करने वाले व्यवस्था ने लगाया और ऐसा काम करने से इस समाज को छुआछूत करने से मना किया। कारणवश यह समाज सारे भारत में अस्पृश्य समाज माना गया। भारत में जब शेड्यूल्ड कास्ट जाति का अस्पृश्यता के कारण सर्वेक्षण हुआ तो उस सर्वेक्षण में धोबी जाति अनुसूचित जाति की लिस्ट में सम्मिलित की गई। भारत के पहले सर्वेक्षण में अस्पृश्यता के कारण यह धोबी जाति अनुसूचित जाति में 3 नंबर पे थी। घटनाकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अनुसूचित जाति का जो शेड्यूल भारत सरकार को दिया था उसमें सारे भारत में रजक धोबी जाति अनुसूचित जाति में थी। अगर घटना लिखने वाले महापुरुष ने धोबी जाति को अनुसूचित जाति माना है तो इस शेड्यूल के बाहर करने का हक किसको है? 17 राज्यों में धोबी जाति अनुसूचित जाति में क्यों है, 12 राज्यों में क्यों नहीं? अगर सर्वेक्षण में इस जाति का दर्जा अस्पृश्यता के कारण अनुसूचित जाति का है तो 12 राज्यों में यह जाति अन्य पिछड़ा कैसे बनी? क्या कुछ लोगों की बात मानकर अनुसूचित जाति की लिस्ट में से कोई बाहर निकाल सकता है? तो फिर आखिर 12 राज्यों में धोबी जाति अन्य पिछड़ा में क्यों? राजस्थान में एक अजमेर जिला में रजक धोबी पहले अनुसूचित जाति में था, बाद में 1876 का शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट एक्ट के कारणवश पूरे राजस्थान में यह जाति अनुसूचित जाति में सम्मिलित की गई। 1960 के पहले महाराष्ट्र का भंडारा और बुलढाणा जिला अनुसूचित जाति में सम्मिलित था, लेकिन 1960 में भाषा प्रांत रचना के कारण इन जिलों का प्रदेश बदला तो जाति का दर्ज बदला, अनुसूचित जाति का धोबी अन्य पिछड़ा में चला गया। अगर स्टेट बदलने से जाति का स्टेटस बदलता है तो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति को अन्य प्रदेशों में उठाइए, कम से कम भारत से छुआछूत तो चली जाएगी। रजक धोबी समाज की एकता नहीं होने से भारत सरकार धोबी जाति के साथ खिलावट कर रही है। आज हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में रजक धोबी समाज कठिन समस्या से गुजर रहा है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेकार होने से गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है। भारत के जिन प्रांतों में रजक धोबी अन्य पिछड़ा जाति की सूची में पड़ा है वहां की सरकारी मदद करने से इनकार करती है। स्थानीय जो लोग अनुसूचित जाति में है वो रजक धोबी का स्वीकार नहीं करना चाहते हैं।
इसलिए भारत सरकार ने 70 साल की आजादी में धोबी जात एक होकर इनकी कैटेगरी भी एक नहीं की। संस्कृति में जिसे रजक कहा जाता, हिंदी में जिसे धोबी कहा जाता, अंग्रेजी में जिसे वॉशरमैन कहा जाता, यह समाज सारे भारत में है। विभिन्न प्रांतों में यह समाज का स्थानीय भाषा में विभिन्न नाम है। उत्तर भारत में रजक, धोबी, मालवीय, कनौजिया, दिवाकर, वर्मा, परदेसी, बुंदेला आदि नाम से यह समाज पहचाना जाता है। महाराष्ट्र में धोबी, परिट, वरठी, कर्नाटक में मडिवाड़, आक्सा तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में यह समाज को चाकली कहा जाता है। तमिलनाडु में यह रजक धोबी जाति वनन नाम से पहचानी जाती है तो केरला में इस रजक धोबी को मनन कहा जाता है। लेकिन धर्म से हिंदू शूद्र जाति कहलाने से सारे भारत में यह जाति अछूत रही है। सारे भारत में पारंपरिकता से कपड़े धोने का काम यह जाति करती है। सारे भारत में स्थानीय भाषा अलग हो लेकिन हम रजक धोबी सारे भारत में एक है। यहाँ मौजूद रजक धोबी जाति की एकता का प्रदर्शन करते हुए भारत सरकार को कहना चाहते हैं कि भारत के रजक धोबी की कैटेगरी एक करो। यह एकमात्र मांग सारे भारतवासी रजक धोबी जाति की है। सरकार कौन से पार्टी की है इससे इन्हें कोई लेन देन नहीं, क्योंकि भारत में कई राजनीतिक सरकारें आई और चली गई, लेकिन भारत के रजक धोबी जाति का दुख दर्द समझ के किसी ने इनकी कैटेगरी एक करने का प्रयास नहीं किया। श्रद्धा स्थान संत गाड़गे बाबा और मड़ीवाल माची देवा की कसम खाते हुए इन्होंने कहा कि जो सांसद और विधायक हमारे धोबी जाति की कैटेगरी एक करने के लिए सदन में समर्थन नहीं करेगा, हम चाहे कुछ भी हो उनको वोट नहीं देंगे। राष्ट्रीय रजक महासंघ भारत कोई एक निश्चित राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करती, लेकिन जो सरकार इनकी रजक धोबी जाति की कैटेगरी एक करेगा सारे भारत में उस सरकार का तहे दिल से समर्थन करेंगे। भारत में रजक धोबी जाति का दो कैटेगरी में विभाजन होने से बहुत बड़ा समाज का नुकसान हुआ है। धोबी समाज की जो हालत हो चुकी है, लोकतंत्र में जीने वालों के साथ ये भद्दा मजाक है। मगर अफसोस कि केंद्र सरकार हो या हो फिर राज्य सरकार या हो फिर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन या मनपा प्रशासन, कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते इन लोगों का जीवन संवर्धन नहीं हुआ है। इन लोगों को क्या तकलीफ है आइए जानना चाहेंगे। सर आप बताइए क्या कहना चाहोगे इस समाज को लेकर। मैं धोबी समाज में जन्म लिया है, मेरा अभी उम्र 72 साल का है, लेकिन शासन ने 72 साल में अभी तक कुछ हमारे समाज के लिए कुछ दिया नहीं है। हालांकि हम मैट्रिक होने के बाद में जब हम रिजर्वेशन में आने के बावजूद भी हमको बाहर निकाल गया है, हमको कोई उसकी सहूलत नहीं मिली। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था सेंट्रल गवर्नमेंट का, मुझे तो अभी क्लास वन सुपर सीट मिलना चाहिए था रिजर्वेशन के पीरियड में, लेकिन रिजर्वेशन न रहने की वजह हम जहाँ के वहीं रिटायरमेंट हो गए। हालांकि थोड़ा सा ऊपर गए लेकिन जहाँ के वहीं रह गए। समझ जाओ हमारे समाज के लिए रिजर्वेशन रहता तो हम बहुत आगे बढ़ जाते थे। हमारा आरक्षण की जो हमारी मुद्दा है, ये आरक्षण हमें को मिलना चाहिए और ये बड़े बड़े 17 राज्यों में आरक्षण मिल रहा है, ये महाराष्ट्र राज्य में भी हमारे को आरक्षण नहीं मिल रहा है। ये हमारी बहुत मांग है और हम लोग इसको बहुत बड़े पैमाने पर करेंगे और ये महाराष्ट्र सरकार के जो विरोध में हम कार्यक्रम करेंगे और हमारा आरक्षण की जो है हम लेकर आएंगे। तो आरक्षण की मांग को लेकर इन लोगों का ये काम का चल रहा है, लेकिन इन लोगों को अब तक के आरक्षण नहीं दिया गया है। ऐसे में ये तमाम जो राज्य के हो या देश के जो पूरा जो धोबी जिसको परिट समाज के नाम से भी जाना जाता है, वे सभी समाज के लोग अब एक आ चुके हैं और उनकी ये यूनिटी बनी है कि ये तमाम भाषिक लोग एक आकर आंदोलन करने जा रहे हैं। और आखिरकार धोबी समाज को उपेक्षित क्यों रखा गया है इसकी पूरी जानकारी लेते इस समय में हमारे साथ में ये पूरे कार्यक्रम के जो अध्यक्ष है डीडी सोनटक के, इस समय हमारे साथ में। डीडी ये बताए कि जिस तरह से ये जो कामकाज चल रहा है सरकार की ओर से, जो अब तक के आपको वंचित रखा गया, बार बार ये कहा जाता है धोबी समाज को न्याय नहीं मिला, धोबी समाज को आरक्षण नहीं मिला, आखिरकार क्यों नहीं मिला? आमचा धोबी समाजाला खरंतर 1936 पासून तर 60 पर्यंत आमचा धोबी समाज अनुसूचित जाती जमातीमध्ये होता। कारण आमच्या धोबी समाजाचं कामच असं आहे की बाळंतींचे कपडे धुणे, गलिच्छ मूर्तदेहाचे कपडे धुणे, रोग्यांचे कपडे धुणे,
इतक गलीच काम असून आमच्या समाजाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्य हा समाज आहे म्हणून त्यांनी पुस्तकामध्ये लिहिलं, तरी पण आम्हाला असलेली मांग, आमची जी असलेली मागणी आहे आरक्षणाची की अनुसूचित जातीची, ती अनुसूचित जातीची मांग आमची गेल्या 60 वर्षापासून आम्ही सरकारकडे मागतो आहे, पण आमच्या पत्रात अजून काही पडलं नाही. पण एवढं सांगू इच्छितो, 60 वर्षामध्ये जरी नाही मिळालं तरी आम्ही आता घेतल्याशिवाय राहणार नाही, कारण संपूर्ण देशामध्ये राज्यामध्ये सर्व धोबी समाज जागा झालेला आहे. कारण आम्हाला काही दुसऱ्या समाजासारखं आरक्षणाच्या विरोधात नाही, आम्ही कोण्या मराठ्याला दिलं काय, कोण्या धनगराला दिलं काय, पण आमचं आरक्षण हे काही नवीन नाही द्यायचं आहे. आमचं आरक्षण आम्ही त्या समाजामध्ये अनुसूचित जातीत होतो, फक्त पूर्ववस्त्र आम्हाला समाविष्ट करण्यासाठी आमची लढाई आत्तापर्यंत चालू आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी आमचे NBCN मी प्रेक्षक आहे आणि NBCN आम्हाला हे न्याय देईल या दृष्टिकोनातून आम्ही आज 1960 पासून तर लढाई आजपर्यंत आमच्या पूर्वजांनी लढली आणि आम्हीसुद्धा लढत आहोत. कारण 1960 अगोदर आम्ही अनुसूचित जातीमध्ये होतो CPN बेरावर राज्यामध्ये आणि 1960 नंतर आम्हाला OBC मध्ये टाकण्याचं षडयंत्र या राज्यकर्त्यांनी केलं आणि 1960 पासून तर आजपर्यंत लढाई ही आमची लढत आहे, पण आम्हाला कोणत्याही सरकारने न्याय दिला नाही. सोंडके साहब, ये बताइए प्रमुख मांग क्या है आपकी? हमारी प्रमुख मांग यही है कि हम जब 1960 अगोदर आम्ही अनुसूचित जातीत होतो आणि आता आम्हाला पूर्ववत असलेली आमची अनुसूचित जातीमध्ये आम्हाला समाविष्ट करावं, ही आमची प्रमुख मागणी आज या महाराष्ट्र सरकारपुढे, या देशाच्या भारत सरकारपुढे आमची मांग आहे. कारण 1960 नंतर 1976 मध्ये घटना अमेंडमेंट झाली की एका जिल्ह्यामध्ये जर कोणताही धोबी समाज जर एखाद्या जिल्ह्यामध्ये अनुसूचित जातीमध्ये जर असेल तर त्या पूर्ण राज्यामध्ये लागू झालं पाहिजेत. भंडारा आणि बुलढाणा जिल्हा 1960 पर्यंत आमचा हा धोबी समाज अनुसूचित जातीमध्ये होता आणि म्हणून राज्यकर्त्यांनी आत्तापर्यंत आंदोलनं केले, आम्ही मोर्चे काढले आणि शेवटी 2001 मध्ये विलासराव देशमुख तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी एक डॉक्टर भांडे समिती स्थापन केली आणि त्या भांडे समितीचा अहवाल संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये खेड्यापाड्यामध्ये जाऊन सर्वे केला की धोबी समाजाला वागणूक कशी आहे, धोबी समाजाची वागणूक, धोबी समाजाचं काम हे संपूर्ण राज्यामध्ये केलं आणि त्या भांडे समितीच्या अहवालाने स्पष्ट म्हटलं की धोबी समाज हा अस्पृश्याचे निकष पूर्ण करतो, या समाजाला अनुसूचित जातीची सवलत मिळाली पाहिजेत, ही मांग त्या भांडे समितीने ठेवलेली आहे. पण ते सुद्धा लागू असून सुद्धा सरकारने नेमलेली समिती, पण आम्हाला न्याय अजूनपर्यंत मिळालेला नाही. अब ये बताइए डीडी की जिस तरह से न्याय नहीं मिला है और बार बार आपने ये जो गुहार लगाई है कि न्याय मिलना चाहिए न्याय मिलना चाहिए, उसके बावजूद न्याय नहीं मिला है, तो ऐसे समय में ये जो तमाम भाषिक धोबी समाज के जो लोग हैं, जो आपका जो एक मंडल जो है, उनकी अगली रणनीति क्या होगी? आज हमें या महाराष्ट्र मध्ये धोबी समाजाच्या किती जरी पोटजाती असतील तर आम्ही धोबी समाज महासंघ सर्व भाषिक आम्ही लढाई महाराष्ट्र सरकारपुढे देत आहोत. मग बुंदेले समाज असो, परदेशी समाज असो, त्याच्यानंतर तेलुगू समाज असो किंवा एखादा आमचा छत्तीसगढी समाज असो, संपूर्ण आम्ही एक होऊन या महाराष्ट्र राज्यामध्ये लढाई लढत आहो आणि लढत राहू आणि आमच्या समाजाला अनुसूचित जातीची सवलत आम्ही पदरात आमच्या पडल्याशिवाय घेणार, आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, हे शासनाला मी आव्हान करतो. कारण ज्यावेळेस आमची मांग आहे फक्त महाराष्ट्र शासनाला सरकारला आरक्षण द्यायचं नाही आहे, महाराष्ट्र सरकारने फक्त शिफारस केंद्राला करायची आहे, तर डॉक्टर भांडे समितीची शिफारस तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आपले आमचे चंद्रशेखर बावनकुळे साहेबांच्या प्रयत्नांनी 2019 सप्टेंबरला केंद्राला आमची या ठिकाणी शिफारस झालेली आहे आणि केंद्राकडनं फक्त एक फॉर्मॅट आला, फक्त ते प्रपत्र आलेलं आहे की फक्त हे प्रपत्र या महाराष्ट्र शासनाने भरून पाठवायचं आहे. हे प्रपत्र जर गेलं तर आम्ही केंद्राशी लढण्यास सज्ज आहोत आणि हे पत्र भरून पाठवण्यासाठी आम्ही येत्या 4 तारखेला करो या मरोन या आता आंदोलन हे फक्त आमचं अन्नत्याग आंदोलन आहे आणि या आंदोलनामध्ये आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सर्व भाषिक महासंघ धोबी समाज हा पेटून उठेल आणि निदर्शने देऊ, अन्नत्याग करू. आणि यानंतर जर सरकारने जे आमच्या प्रपत्रामध्ये माहिती नाही पाठवली तर आम्ही या येत्या काळामध्ये करो या मंदोर रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही आणि आम्हा समाजाला न्याय दिल्याशिवाय राहणार नाही, एवढं मी आव्हान या सरकारपुढे करतो. आणि आज या ठिकाणी मला एवढंच सांगायचं आहे, कारण आम्हाला आरक्षण नाही, आमचे मुलं आज शिकू शकत नाही,
आर्थिक सामाजिक आणि शैक्षणिक आमच्या समाजाची प्रगती नाही. आमचे मुले इंजिनिअरिंगला असो का डॉक्टर असो, आम्हाला आर्थिक बाजू जर आमची सक्षम असती तर आम्हाला स्कॉलरशिप मिळाली असती, आमचे मुले इंजिनियर झाले असते. आज ही परिस्थिती बघा धोपी घाटाची किती गरीब आहेत. आमच्या महिला भगिनी बघा, आमचे युवा बघा, आज आम्हाला आरक्षण नाही म्हणून आम्ही दोन पिढ्या आमच्या बर्बाद झाल्या, येणारी पिढी आम्ही बर्बाद होऊ देणार नाही अशी आम्ही सर्व भाषिक महासंघांनी शपथ घेतलेली आहे आणि आम्ही न्याय दिल्याशिवाय राहणार नाही एवढं मी सरकारला आव्हान करतो आणि आमची शिफारस आपण प्रपत्रामध्ये माहिती पाठवावी एवढं सरकारला आव्हान करतो. धोबी समाज महासंघ एकता जिंदाबाद. धोबी समाज महासंघ एकता जिंदाबाद. जिंदाबाद. हमारा आरक्षण लेकर रहेंगे. हमारा आरक्षण लेकर रहेंगे. हमारा आरक्षण लेके रहेंगे इस मांग को लेकर आज शहर के और राज्य के तमाम धोबी समाज के लोग आज यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है. इन लोगों की ये मांग है कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि पिछले 70 दशक से इन लोगों को कतई न्याय नहीं मिला है, जिसके चलते इनके बच्चे अब तक पढ़े लिखे नहीं हैं और ये समाज आज भी पूरी तरह से वंचित है. क्योंकि चाहे शव के कपड़े हो, अस्पताल के कपड़े हो या फिर किसी होटल्स के मैले गंदे मैले कपड़े धोने का काम ये लोग पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ कोरोना महामारी ने जब से इस शहर में इस देश में दस्तक दी है तब से लेकर अब तक के इनके कामकाज भी पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं. अब ये एक कारण तो है, लेकिन साथ में दूसरा मुख्य कारण यह है कि सरकार की उदासीनता, जिसके चलते इस धोबी, जिसे परिट समाज के नाम से भी जाना जाता है, इस धोबी समाज को न्याय नहीं मिला है और जिसके चलते इनका जीवन संवर्धन, इनके समाज बढ़ नहीं पाया है. जैसे कि अन्य समाज में जो बढ़ोतरी हुई है, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर से लेकर राजनेता से लेकर हर क्षेत्र में इनके सभी समाज के लोग हैं, मगर अफसोस कि देश को आज़ाद हुए आज 75 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है, मगर लोकतंत्र में जीने वाले इस धोबी समाज आजों की तो अपनी ही परिस्थिति में पड़े हुए हैं. सरकार इस ओर ध्यान दे, केंद्र सरकार ध्यान दे, राज्य सरकार ध्यान दे, प्रशासन ध्यान दे और इन लोगों को न्याय दे, ताकि इन लोगों को भी जल्द से जल्द आर्थिक प्रणाली के चलते और इनके जो आरक्षण को लेके इनकी मांगों को पूरा किया जाए. अगर इनकी मांगों को पूरा किया जाता है वो दिन दूर नहीं जब इस देश में फिर से एक बार धोबी समाज अच्छे से जी पाएगा, क्योंकि सम्मान के साथ जीना हर किसी को अच्छा लगता है, बशर्ते उनके पास सरकार की ओर से जो सुविधा है वो मिलना चाहिए और ये तमाम सुविधाएं मिलना चाहिए. ऐसी मांग को लेकर धोबी समाज पिछले कई वर्षों से लड़ रहा है. अब देखना ये होगा कि सरकार का इस ओर कितने प्रतिशत ध्यान जाता है, क्योंकि सरकार के कानों में अब तक जू नहीं रेंगी थी, लेकिन इन बीसीएन इस न्यूज़ चैनल ने इनका ये सवाल जो है, इनकी जो समस्या है वो उठा के रखी है और सरकार के पास तो ये समस्या जरूर जाएगी और तमाम विभाग के मंत्रियों से भी इन बीसीएन न्यूज़ चैनल बात करेगी. लेकिन धोबी समाज को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि धोबी समाज को यदि न्याय मिला तो सही मायने में जिस प्रकार से देश आज़ाद हुआ है, मगर देश के नागरिक आज भी आज़ाद नहीं हुए और उन्हीं में से एक समाज है धोबी समाज. अगर न्याय मिलता है तो ये भी आज़ादी के तरह खुली हवा में सांस ले पाएंगे और इस देश के नागरिक कहलाएंगे. नागपुर से ग्रेट नाग रोड करबला धोबीघाट से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर.